डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। केंद्र सरकार के द्वारा धारा 370 हटाने के फैसले के बाद इसे वापस ले लिया जाना और जम्मू एवं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना देश के लिए एक बड़े तथा राष्ट्रवादी फैसलों में सबसे अहम माना जा रहा है। राजनीतिक परिवेश में इक्का दुक्का पार्टियों को छोड़ लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी का मनोबल काफी बढ़ा है और बढ़े भी क्यों ना, जब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ही इसे रखा था और अब इस पर नेताओं के बोल बदलने लगे हैं। शायद आप नहीं समझे, जिन नेताओं के सुर बिगड़ने लगे हैं वो नेता किसी और दल से नहीं बल्कि बीजेपी से ही हैं। पहले आप एक नेताजी के द्वारा कही गई बातों को सुने। कश्मीर की अलग, यानी एक देश दो विधान कैसे होना चाहिए, और जो मुस्लिम कार्यकर्ता है अगर इनको यहाँ पर टोरे तो मुस्लिम बनानी चाहिए, साधु वहाँ पर होना कश्मीरी गोरी लड़की से खुशी बनानी चाहिए, उन्हें भी पूरे से हिंदू मुसलमान कोई हो, ये पूरे देश के लिए एक उत्साह का विषय है। ये नेताजी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के विधायक है, इनका नाम विक्रम सैनी है। ये मोदी जी के धारा 370 हटाए जाने के स्वागत में बहकी हुई बातें करने लगे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विक्रम सैनी विवादित बयान दे बैठे। विधायक जी ने पहले तो धारा 370 पर मोदी सरकार के द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया, फिर ऐसा अमर्यादित बोल बोल बैठे जिस पर बीजेपी की किरकिरी तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट, पटना। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।